आगे ढाई कितना है आपका 30 का, पिछला कितना था 14, तो 14 और 16 तभी 30 हुआ ना, मतलब 14 में 16 बढ़ के 30 हो गया, तो हम u की वैल्यू क्या लिखेंगे 16, मतलब अगला जो ढाया है वो पिछले ढाया से कितना बढ़ गया 16। प्रोग्राम में हम लिखेंगे u की वैल्यू 16 डॉट, फिर एंटर। उसके बाद डायग्राम देखिए आगे लेंथ कितनी है 40, मतलब 30 का ढाया 40 तक बना, तो हम क्या करेंगे पिछली वैल्यू नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू लिख देनी हमने जितनी आगे कट करनी। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, जितना आगे लिखा है उतना ही हमने लिख देना है। W की वैल्यू हम लिखेंगे 40 और उसके साथ रेडियस लगेगा। प्रोग्राम में जाके लिखिए W माइनस 40 डॉट, साथ में R की वैल्यू 5 डॉट, फिर एंटर। उसके बाद डायग्राम में जाइए, यहाँ तक कटिंग होगी, अभी उसको ऊपर लेके जाइए डाया पे, मेन डाया कितना 50 है, ये पिछला कितना था 30, 50 कितना बढ़